रायपुर आता हूँ तो यहाँ नाश्ता करने जरूर आता हूँ, और मेरे को यहाँ का कचौड़ी, समोसा और इमरती जलेबी और खोए जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है, और दही बड़ा भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आज भी दही बड़ा भी खाया हूँ, कचौड़ी का इंतजार कर रहा हूँ, कचौड़ी निकलेगा कचौड़ी खा के जाऊँगा। आया हूँ तो खा के जाऊँगा। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? आधा घंटा हो गया, 20 मिनट हो गया कचौड़ी का इंतजार। अच्छा, 20 मिनट से कचौड़ी के लिए इंतजार कर रहे हैं? कचौड़ी गर्म निकल रही है, इंतजार कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, एकदम बढ़िया। अब भैया इधर ये दुकान आप कब से आ रहे हैं? भैया मैं तो यहाँ पे जब कॉलेज कर रहा था अपने 2 साल पहले, हाँ हाँ, हमेशा आया करता था। हाँ हाँ, मैं बिलासपुर से भी हूँ, तो जब भी आता हूँ यहाँ आना होता ही है। अच्छा अच्छा, जरा कोशिश करें ढूंढने की गांजीवाड़ा मिले, गांजीवाड़ा में कोई नहीं था। तो भाइयों आज हम आए हैं रायपुर के सदर मार्केट में, सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार में, और ये नाश्ते की दुकान है। यहाँ पे आपको समोसा, कचौड़ी, मिर्ची भजिया, मूंग बड़ा, कांजी बड़ा, दही बड़ा, इमरती, जलेबी, पापड़ा, मिक्सचर, ऐसे बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे। और ये दुकान 55 से 60 साल पुरानी है, और ये दुकान की एक ख़ास बात यह है कि 55 साल से ना ये दुकान बदली ना ये गद्दी, और ये दादा परदादा के ज़माने से जैसा सेटअप था इनका वैसा ही पूरा सेटअप है कि स्पीड से नाश्ता बनता है और बिकता है। ये शॉप को 63 साल हो गए कम्प्लीट। जी, स्टार्ट अपने दादाजी ने हमारे स्टार्ट किए थे, रायचंद भाई केशव जी ढोलकिया ने जी, और उसके बाद हमारे पापा, चाचा, सब बुआ जी लोग, हाँ, लोग पूरा दुकान को सेट करके चलाते, धीरे धीरे बढ़ते गए। उस टाइम पे कितने आइटम होते थे भैया? 4 आइटम, कचौड़ी, आलू बुंडा, मिर्ची। अच्छा सर, 5 पैसे का। ये अभी क्या प्राइस है भैया? अभी हाल फिलहाल में 40 पर प्लेट है, पर ₹45। तो आप हमको अपना एक समोसा और एक कचौड़ी बना के टेस्ट करवाइए ना। एक समोसा और एक कचौड़ी बना के दो राजू। हमारी एक समोसा और एक कचौड़ी बन रही है, दे रहे हैं। अभी आपने कितनी तरह की चटनी? लहसुन चटनी, लहसुन चटनी, रेड चिल्ली, रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, खजूर इमली चटनी। अच्छा, ये खजूर इमली की चटनी। दही तो नहीं खाएंगे आप ना? नहीं, दही नहीं लगेगा भैया, है ना। सेव डालूं? हाँ सेव डालिए। हाँ, ये तैयार है हमारे समोसा कचौड़ी बन के, और इसको टेस्ट करके हम आपको बताते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। इसकी दीवानगी पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है। ये यहाँ का समोसा कचौड़ी, मिर्ची बढ़िया, भजिया, आलू गुंडा, पूरे छत्तीसगढ़ में लोग जब रायपुर आते हैं तो एक बार खाने के लिए यहाँ जरूर आते हैं। अभी मेरी मुलाकात एक अंकल जी से हुई थी जो धमतरी से स्पेशल इनका भैया के यहाँ कचौड़ी खाने आए थे, और एक भैया से मिला वो बिलासपुर से आए थे यहाँ कुछ रायपुर काम से, तो वो स्पेशल यहाँ पे कांजी वड़ा खाने आए थे। तो देखिए इस दुकान की दीवानगी, लोगों का कैसा प्रेम है इस दुकान के प्रति। तो इसको टेस्ट करके हम आपको बताते हैं। भाई ये एकदम सही बात है, इसका जैसा टेस्ट है तो लोगों का ऐसा दीवानापन यहाँ के नाश्ते के लिए तो बनता ही है। स्वाद से भरपूर है। ये शॉप है 63 ईयर्स पुरानी, इतने सालों से चल रही है, मतलब ये अपने क्वालिटी और टेस्ट को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि लंबी रेस क्वालिटी 63 ईयर से ये दुकान चले जा रही है। यहाँ की मतलब क्वालिटी और टेस्ट मेंटेन करके एकदम चल रहे हैं भैया लोग बॉम्बे में, और ये इनके पिताजी के ज़माने से दुकान चली आ रही है। और आप भी अगर रायपुर आते हैं तो एक बार सदर बाज़ार में सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार में ज़रूर आएँ, और यहाँ के समोसा, कचौड़ी, आलू गुंडा, मिर्ची भजिया जो भी हो टेस्ट ज़रूर करें, आपको ये दीवाना बना देगा।